बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर 59 से 60 घंटे तक आईटी की रेड चली, जिसमें आईटी को काफी कुछ मिला है। ये अब बयान निकलकर सामने आया, वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो रेड हुई, इसे आईटी सर्वे बता रहा है, बताया ये जा रहा है इस तरफ से कि 2012 से अब तक की जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो खंगाले गए, वो उसकी जानकारियां यहां पर जुटाई गई, और साथ ही साथ तस्वीरें भी इन 3 दिनों में लगभग सामने आई, किस तरीके से आईटी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बीबीसी कर्मचारी उलझते हुए भी दिखाई दिए थे। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब निकलकर सामने आई थी। बीबीसी में हड़कंप मचा हुआ था, उनके जो बयान हैं वो लगातार सामने आ रहे थे कि हम सहयोग कर रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन इंतजार था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बयान का कि आखिर क्यों ये सर्वे किया जा रहा है इस वक्त, और साथ ही साथ क्या कुछ मिला है वो हम आपको बताएंगे। बताने के लिए सर हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। आईटी की जो रेड है वो बताया गया है कि अब रोक दी गई है, क्या कुछ बयान आईटी की तरफ से अब जारी किया गया है कि क्या कुछ मिला है बीबीसी जो दफ्तरों में उनकी जो सर्वे जो किए गए हैं? जी बिल्कुल चेतन, जब रेड डाली गई उस वक्त काफ़ी हड़कंप मच गया था। अचानक से एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस के दफ्तर में इस तरह की रेड पड़ी, जिसे लेकर कई लोगों ने इसे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर भी देखा, क्योंकि टाइमिंग इस तरीके की थी। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस रेड पर एक आधिकारिक तौर पर पूरा एक लंबा सा एक स्टेटमेंट जारी किया है बाकायदा, क्योंकि इंटरनेशनल मामला हो गया था, अमेरिका तक का स्टेटमेंट इसमें आ गया था। बीबीसी का जो दफ्तर है, बीबीसी जो मेन है, उसमें ने उसकी तरफ से भी स्टेटमेंट जारी करके अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहा गया था कि आप लोग इसमें सहयोग करें और किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से आप लोग दूर रहें, कोई भी चीज़ जो छिपाने की कोशिश ना करें और कोई भी चीज़ अपने डेस्कटॉप से डिलीट करने की कोशिश ना करें। ये बीबीसी को निर्देश दिए गए थे अपने कर्मचारियों को, और दिल्ली और मुंबई में दोनों जगह जो रेड हो रही थी, करीब 60 घंटे तक रेड चली है, जिसके बाद में ये माना जा रहा था कि बीबीसी जो है संभवतः इसमें क्लीन आएगा। इस रेड को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के नजरिए से देखा जा रहा था कि ये एक मीडिया संस्थान को या मीडिया हाउस को डराने की कोशिश है। इस तरीके से कई आरोप जो है वो लग रहे थे। कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में खुलकर सामने आई थी, लेकिन अब खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसने स्टेटमेंट जारी किया है। अब ये स्टेटमेंट जो है आधिकारिक तौर पर हो गया, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सिलसिलेवार तरीके से कई सारी चीजें बताई हैं। बड़ी बात इसमें गौर करने वाली सबसे पहले जो है वो ये है कि अपने स्टेटमेंट में कहीं पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी का नाम नहीं लिया है। ये मतलब बीबीसी के दफ्तरों में ही वो सर्वे किया जा रहा था और बीबीसी का ही नाम नहीं है। सब कुछ कहा है उसी के बारे में कहा है कि हाल फिलहाल में एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस पर हमने मुंबई और दिल्ली में रेड की, बाकायदा धारा बताई गई है उसके हिसाब से रेड की, इस कानून के हिसाब से रेड की, और इसमें हमें ये चीज़ें मिली हैं। लेकिन उसमें बीबीसी ये 3 लेटर जो होते हैं ये नहीं लिखे गए हैं उसके अंदर। रेट इसी के बारे में जिक्र किया गया और बताया गया कि संभवतः क्या क्या चीज़ें उनको जो है मिली हैं, जिस पर आगे भी अब जांच की जाएगी। जो बताया है वो ये है कि ये कहा गया है कि कुछ टैक्स भुगतानों में अनियमितताएं पाई गई हैं, ये स्टेटमेंट में आधिकारिक तौर से कहा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके अलावा कहा गया कि आय विभिन्न समूह संस्थाओं की ओर से दिखाया गया मुनाफा भारत में परिचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है, ये दूसरी बात कही गई है। तीसरी बात ये कही गई कि ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में कई विसंगतियां मिली हैं, यानी कि टैक्स के मामले में, और उसके अलावा जो ट्रांसफर प्राइसिंग है इसमें कई सारे उनको वो मिले हैं। इसके अलावा आईटी टीमों ने ये भी कहा है कि डिजिटल प्रूफ और दस्तावेजों के माध्यम से महत्वपूर्ण सबूतों का पता लगाया गया है, और साथ ही ये भी कहा है कि जो वहाँ पर कर्मचारी थे उनके बयानों के आधार पर भी सबूत जुटाए गए हैं जिनकी आगे जांच की जाएगी। तो करीब 60 घंटे तक ये रेड चली थी, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम से लेकर अकाउंट सेक्शन से लेकर कई सारी चीज़ों को खंगाला जा रहा था। अब इस 60 घंटे की रेड के बाद जब तमाम तरीके के बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आए, बीजेपी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आप को इससे अलग किया है, तो एक एजेंसी का काम है वो अपना काम कर रही है, अमेरिका से भी स्टेटमेंट आ गया, इसके अलावा जो जो जहां जहां इस पे खेल सकता था या राजनीति कर सकता था सब ने बयान दिया। लेकिन अब इस पूरे रेड का, जिसे हम रेड ना कहें क्योंकि तकनीकी भाषा में इसे सर्वे कहा जा रहा है, स्टेटमेंट में भी सर्वे की ही बात कही गई है, इस सर्वे का जो निचोड़ है वो ये है कि इनकम टैक्स में टैक्स भुगतान में जिस स्केल पर बीबीसी काम कर रहा है हिंदुस्तान में, उसमें कई सारी अनियमितताएं जो हैं वो पाई गई हैं। कुछ कार्रवाई की बात भी की गई है कि जो अनियमितताएं पाई गई हैं ये तो साफ कर दिया इनकम टैक्स ने, क्या कुछ कार्रवाई इस पर जो बनती है वो की जाएगी?
कार्रवाई अब आगे हुआ, क्योंकि इसमें एक चीज और कही गई कि जो जानकारी इनको मिली है बयानों के आधार पर उस पर आगे भी जांच की जाएगी। अब जांच होने के बाद में आगे की जो कार्रवाई होगी उसके बाद होगी, लेकिन फिलहाल कार्रवाई जैसी कोई बात जो है वो सामने नहीं आई। अब देखना यह होगा कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया है, इस स्टेटमेंट के बाद में क्या बीबीसी भी कोई आधिकारिक स्टेटमेंट अपना जारी करता है। संभवतः इस पर अलग अलग रिएक्शंस भी आने शुरू हो ही जाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात है, इनकम टैक्स ने अपना आधिकारिक बयान जो है वो जारी कर दिया है, जिसका सबको इंतजार था कि क्यों जो ये सर्वे की जो यहाँ पर सर्वे की बात की गई, क्योंकि कई लोग इसे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से भी जोड़कर देख रहे थे जो बीबीसी ने बनाई है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री है प्रधानमंत्री मोदी की छवि और भारत की छवि को खराब करने वाली, जिसको लेकर सरकार ने भी कदम उठाया और उसे बैन कर दिया। उसके जो क्लिपिंग्स थे सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे थे उसे भी बंद करने की बात यहां पर की गई थी भारत सरकार की तरफ से भी, लेकिन अब इस रेट को उससे जोड़कर देखा जा रहा था। और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस पर बयान सामने आया कि कुछ गड़बड़ियां जरूर जो हैं वो पाई गई हैं, उस पर आगे की जांच की जाएगी और भी जांचें हैं वो यहां पर की जाएंगी। तो ये पूरी खबर थी आपके लिए, आपको ये खबर कैसी लगी आप ये बताइए। साथ ही साथ इस पर जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी निकलकर सामने आएंगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर बीबीसी जो भी इस पर अपना बयान सामने लाएगा वो भी आपको हम बताएंगे। आप जो कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है इसमें कि क्या ये डॉक्यूमेंट्री की वजह से ही ये सर्वे किया गया, रेड किया गया, इस पर आपकी क्या राय? ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत कि क्या ये सही में सरकार की तरफ से आर्म ट्विस्टिंग की एक कोशिश थी, डराने की धमकाने की कोशिश थी, या फिर जैसा सरकार कह रही है जैसा बीजेपी भी कह रही है कि ये दोनों जो है अलग अलग दिशा में जाती हुई दो बातें हैं, जिसमें एजेंसी अपना काम कर रही है और उधर दूसरी चीजें। आपको क्या लगता है, यानी हमारे व्यूवर्स भी अगर इसमें अपनी राय दें तो भी है। बिल्कुल, और साथ ही साथ जो कांग्रेस जिस शब्द का प्रयोग कर रही है कि ये अघोषित आपातकाल है, क्या इससे आप सहमत हैं या नहीं, ये भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।